नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड आज 21वां स्थापना दिवस अपना मना रहा है। सुबह 10 से 11:30 बजे तक पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित होगा। उत्तराखंड पुलिस की ओर से परेड की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल इसमें शामिल होंगे। तो 21वां स्थापना दिवस आज उत्तराखंड अपना मना रहा है और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर आज से शुरू हो जाएंगे। 7 दिनों तक उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित होंगे और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से परेड की जाएगी। राज्य गठन पर जब देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया था तब शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि ये पर्वतीय राज्य जो है स्थायी राजधानी को तरस जाएगा। लेकिन आज 21 साल पूरे हो चुके हैं इस राज्य को बने हुए। 21 साल का हो गया है उत्तराखंड। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, उत्तराखंड का आज 21वां स्थापना दिवस है और आज से प्रदेश में कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाले हैं, 7 दिन तक जो चलेंगे। आज 9 तारीख है और आज जगह जगहों पर कार्यक्रम होने वाले हैं, तो पूरी जानकारी चाहेंगे कहाँ कहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, उनमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं। देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि आज जो है उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है और पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम अपने दर्शकों को भी राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दे देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है और आज सुबह से ही जो है उत्तराखंड पूरे प्रदेश में जो है जगह जगहों पर जो है राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां चल रही है। उसी क्रम में अगर बात करें तो 9:30 बजे मुख्यमंत्री व जो प्रदेश के राज्यपाल हैं वो दोनों ही पुलिस मैदान में मौजूद रहेंगे, क्योंकि वहां पर पुलिस मैदान में परेड का अलंकरण वो करेंगे। परेड की सलामी राज्यपाल लेंगे, मुख्यमंत्री उस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री व राज्यपाल का संबोधन वहां पर होगा। देश के जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको वहां से शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी, देश की खुशहाली की कामना वहां पर की जाएगी। प्रीति बिल्कुल, और इसके अलावा क्या विपक्ष की तरफ से भी किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम होंगे जिनमें विपक्ष के नेता शामिल होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष तो आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस को एक भव्य तरीके से सेलिब्रेट कर ही रहा है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से कहां कहां पर कार्यक्रम आयोजित होंगे? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी की कुर्बानियों के बाद उत्तराखंड राज्य हमको मिला है और उत्तराखंड राज्य मिलने में सबकी सहभागिता, उत्तराखंड के आम जन की सभी सहभागिता है। यहाँ पर कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां उत्तराखंड राज्य के लिए दी थी, इसलिए अगर हम बात करें कि सेलिब्रेशन की तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस न कि सत्ता पक्ष मनाता है, यहाँ पर विपक्ष भी जो है राज्य स्थापना दिवस पर जगह जगह शहीद स्मारकों में जाकर शहीदों को नमन करने का कार्य करता है। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां भव्य तरीके से यहाँ उत्तराखंड में चल रही है। जगह जगह पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। जगह जगह शहीद स्मारकों में जाकर जो है चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो अपना शीश झुका रहे हैं, उन शहीदों को याद यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बात करें आंदोलन की तो आंदोलन की बदौलत उत्तराखंड राज्य हमको जो आजाद में मिला था, आंदोलनकारी संगठन जो है वो भी जगह जगह जिस स्थान पर आंदोलनकारी संगठन है वो लोग वहां पर शहीद स्मारक पर नजदीकी शहीद स्मारक जो वहां पर जहां पर पड़ता है वहां पर जाकर छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं और शहीद जो राज्य स्थापना दिवस है उसको मना रहे हैं। जो उत्तराखंड राज्य के दौरान जो लोग शहीद हो गए थे उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रीति बिल्कुल, कैलाश जी, आज से जो है एक खास चीज और उत्तराखंड सरकार ने जो ऐलान किया था गौरव उत्तराखंड पुरस्कार की, जो कि शुरू होने वाला है इस बार से ही, आज से ही, तो उसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे। क्या उसके तहत आज ही जिन लोगों को चयनित किया गया है उनको ये सम्मान दिया जाएगा उत्तराखंड गौरव का? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने जो उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात कही थी वो जगह जगह पर कार्यक्रमों में जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है उसके लिए लोग चयनित कर लिए गए हैं, उनको सम्मान
जो जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। प्रीति जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तराखंड 21 साल का हो गया है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और ऐसे में यहाँ पर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी आज के इस दिन को भव्य तरीके से मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बार हमने ये तय किया है कि राज्य स्थापना दिवस पूरे भाई डाले यार मोबाइल इसके अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ग्राम सभा स्तर तक के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं न कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके चलने से हम प्रयास किए। और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से 5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर आज पर्यटन मंत्री सतपाल सत्ती ने भी शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करें, ऐसी उन्होंने कामना की है। तो आज राज्य के लिए खास और अहम दिन है क्योंकि आज राज्य का स्थापना दिन है। आज ही के दिन उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और आज के दिन को सरकार की तरफ से विशेष तौर पर मनाया जा रहा है और ना केवल सरकार बल्कि उत्तराखंड के हर नागरिक आज के दिन पर गर्व महसूस कर रहे हैं, आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश की जनता को और साथ ही उन्होंने कामना की है कि प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करे। और चलिए आपको सुनवाते हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मेरी ओर से राज्य के सभी निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करे। इस मौके पर हमें ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रण लें जो सुदूर क्षेत्र के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुँचाने में मददगार साबित हो। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मैं उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बार पुनः राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर की समस्त प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मसूरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने लोक संस्कृति के खूब रंग बिखेरे। 5 दिवसीय कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उत्तराखंड राज्य एक है, शहीदों का स्थल एक है और हमेशा सही समय पर प्रभाव होते आए हैं। दिक्कत क्या है, जब 9 तारीख को मंच खाली है उनको पूरा मंच बना के दिया जा रहा है, यहाँ पर सबका स्वागत किया जा रहा है, तो यहाँ पर नगर पालिका और नगर पालिका के कुछ लोग जो कमीशन खो रहे हैं केवल पैसे को खाना चाहते हैं, वो मात्र इस पैसे को खाने के लिए यहाँ पे एक ड्रामा कर रहे हैं, एक फेक प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्यों नहीं यहाँ सही समय पर करना चाह रहे हैं, जब हम कल मंच यहाँ पर छोड़ने को तैयार है, उनको मंच देने को तैयार है, वो जो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं वो करें, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। तो आज स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रिशाली ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में पिछले 21 सालों में हुई दुर्दशा पर दोनों राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आप प्रवक्ता ने कहा कि दोनों ही दलों ने पिछले 21 सालों में प्रदेश को दुर्दशा की राह पर चलते हुए विकास से कोसों दूर कर दिया है। दोनों ही दलों को उत्तराखंड की जनता ने बारी बारी सेवा का मौका दिया लेकिन दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया। उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दल कभी भी उत्तराखंड के विकास को लेकर, यहाँ के लोगों की बेहतरी को लेकर कोई नीति नहीं बना पाए हैं और जिसके चलते उत्तराखंड बने पिछले 21 सालों में आज भी बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बुरे हाल हैं, शिक्षा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी
शहीदों के सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ इस बार यहाँ पर परिवर्तन आएगा और हमें उम्मीद है कि जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड मांगा गया था उसको पूरा करने में आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 17 साल बाद कांग्रेसी नेता धस्माना को राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 17 साल के बाद कांग्रेसी नेता धस्माना को राहत मिली है। राजमार्ग जाम और बवाल करने के आरोप के चलते उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। पहले यहां पर इसमें लगातार कार्रवाई हो रही थी और बड़ी राहत यहां पर मिली है कि कोर्ट ने अब उन्हें बरी कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हांथीबाड़ कला के पास साल 2004 का ये मामला है, जहां पर गवाहों के बयान में मौके पर धस्माना की मौजूदगी के सबूत नहीं मिल पाए, जिसके चलते उनको बरी कर दिया गया है। तो यहां पर सबूत ना होने के चलते कोर्ट ने सूर्यकांत धस्माना को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। 17 साल बाद कांग्रेसी नेता को बड़ी राहत मिली है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी सोच नू सलाम। ओना कहा कि ए मौजूदा सरकार आम लोकां दी सरकार होवेगी। ए सरकार दे विच कोई ए नहीं कहेगा मेरी सरकार है या साडी सरकार है, ए सरकार पंजाब दे लोकां दी है। सीएम चन्नी ने कहा किसी भी गरीब नू तंग परेशान नहीं कीता जावेगा। टोटी वाले नू आज तक हुज्जत दी मार लग जांदे, मैं कह रहण नू यार मेरे नाल इहनां नू प्यार दी लोड़ है, सरकार दी लोड़ है, मैं इहनां नू प्यार देणा है, सरकार देणा है। ओ 24 घंटे लोकां लई हाजिर हन, इस करके ही ओ अपने आप नू लोकां दा सेवादार कहंदे हन। पंजाब सरकार थोड़े नाल, जो पंजाब सरकार तो कराना चाहते हैं मैनू दसो, मैं थोड़े वास्ते हाजिर हां, कुछ बैठ मेरा कहिंदे टेलीफोन बंद हुंदे। ये हो सकता है कि भी कई बार मैं इत्थे लैक्चर कर रहा उत्थे कॉल मिस हो जाए, लेकिन खुला है हर टाइम। लोकां दी सरकार होवेगी, असी तां सेवादार होवांगे, प्यार मिलूगा सबना नू, सत्कार होगा सबना दा। अब बेधड़क उठेगा हर मुद्दा, उठाई जाएगी आपकी आवाज, जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम, देखिए जनहित शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार, मंत्री से संतरी, पहर दर पहर
हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन हमें कोविड से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। देश में त्योहारों का समय है तो ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें, जब तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है हमें हथियार नहीं डालने हैं। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम, ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या, लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश है। 10 नवंबर को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो छठ पर्व को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, जिसके तहत आज क्योंकि छठ पर्व मन रहा है और ऐसे में 10 नवंबर को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है। कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा छठ पर्व के मौके पर। उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। कल से इस पर्व की शुरुआत हो गई थी और नहाए खाए के साथ ये पर्व शुरू हुआ था और कल उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है प्रदेश के अंदर। तो उत्तराखंड में छठ पूजा के मौके पर कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी कि 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बातें कम काम ज्यादा के गीत का विमोचन किया। बातें कम काम ज्यादा को यूट्यूब पर लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर जो प्रयास किए जा रहे हैं इनका समावेश कर गीत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच कांग्रेस ने उत्तराखंड क्रांति दल को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में यूकेडी के एक दर्जन से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी नेताओं को पार्टी के सदस्यता ग्रहण कराई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सभी ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकल्प लिया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि यूकेडी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ी ताकत मिलेगी और इतना ही नहीं, अभी यूकेडी के 400 से ज्यादा नेताओं को भी कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता पौड़ी जाकर सभी को पार्टी में शामिल कराएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के पौड़ी इकाई लगभग कांग्रेस में सम्मिलित हुई और मनमोहन जी खुद ही अपने आप में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के और उसके बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े नाम हैं और इनके सहयोगी भी सब लोग बहुत सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता कांग्रेस को शक्ति देगी, ताकत देगी। हम उम्मीद करते हैं, बल्कि इनके साथ 400 से ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे थे, हमने कहा जो है इतने लोगों के लिए जगह फिर वहाँ उतनी दूर से यहाँ आना सब करना, मैंने कहा ठीक नहीं रहेगा, बजाय इसके
हम पौड़ी जाएंगे, उसमें इनके सब सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर गायक दलेर मेहंदी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने दलेर मेहंदी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। दलेर मेहंदी ने हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़ने की योजना के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दलेर मेहंदी ने गुरु नानक महाराज से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने निवास स्थान पर गायक दलेर मेहंदी से भेंट की और जब वो यहाँ पर उनसे मिलने पहुँचे तो उन्होंने शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। और इस दौरान दलेर मेहंदी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का रोपवे योजना के लिए आभार जताया। सोमवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 21वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कोरोना के कारण देश में लगे लॉकडाउन से हुए नुकसान को देखते हुए मार्च 2020 से 30 जून 2021 तक पीपीपी मोड पर राज्य में संचालित की जा रही कई परिसंपत्तियों के संचालकों की ओर से निर्धारित किया गया शुल्क माफ कर दिया जाएगा। इससे पर्यटन विभाग पर करीब 70 लाख रुपए की आय का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यूटीडीबी में 51 रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत ये भर्ती की जाएंगी। धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों की स्थिति काफी खराब है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। विधायक हरीश धामी ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। मुझे अपने क्षेत्र की जनता की पीड़ा को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं मजबूरन यहाँ पे आमरण अनशन में बैठा हूँ। क्योंकि टांगा गांव की बात मैं कहता हूँ, जब आप लोग भी उसमें आए थे आपदा के समय में, खुद शिक्षा मंत्री ने कहा था, जो प्रभारी जिला मंत्री है उन्होंने कहा कि भाई हम इनका पुनर्वास कराएंगे, तत्काल इनको जो है घर आवंटित कराएंगे। वो लोग गाँव से आने को तैयार नहीं थे, उनको जबरदस्ती गाँव से जो है सेरा में लाया गया, लेकिन 30 अक्टूबर को उनको वापिस भेज दिया गया। उस गांव का पुनर्वास नहीं हुआ, धापा के गांव के लोगों का आज तक पुनर्वास नहीं हुआ, जोसा के लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ। हमारे जो है धारचूला देहात पे जो हमारा सीनिया खोला के लोग हैं, एससी के 11 परिवार आज भी प्राइमरी स्कूल में बैठने को मजबूर है। इसी तरह तरल्ला जोहार के लोग हैं, तमाम पूरी विधानसभा में लोग जो है पूरा जनजीवन अस्त भी आता हूँ कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अगर उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी, हमारी मांग नहीं सुनी, तो हम 12 तारीख को उनके सामने भी हम विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।